इस वक्त हम बिहार के पूर्णिया में मौजूद हैं और यहाँ आने की एक खास वजह है। बिहार में सत्ता से बाहर जाने के बाद बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव है और बिहार में जनता के बीच एक मैसेज देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। इस जनसभा को जन भावना महासभा का नाम दिया गया है। इस वक्त हम रंगभूमि मैदान में हैं और तैयारियां जो हैं वो फिलहाल जारी हैं। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो रैली है उसे सफल बनाने के लिए जो मजदूर हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो देर रात तक लगे हुए हैं। अभी भी जो स्टेज है उसे सजाने संवारने का काम चल रहा है, जो कुर्सियां हैं वो लगाई जा चुकी हैं, पंडाल लगभग बन चुका है, लेकिन जो फिनिशिंग का काम है वो अभी भी चल रहा है। और लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो मजदूर हैं, वो इस पंडाल को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि रात के 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर काम है वो चल रहा है लगातार। जो यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और इस रैली को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक भट्ट हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। अशोक जी, ये बताइए कि जो रैली हो रही है, महासभा का नाम दिया जा रहा है, कितनी भीड़ आने वाली है? देखिए, भीड़ कोई लाया नहीं जा रहा, पार्टी कोई भीड़ लाएगी नहीं। ये स्वतः जो आज जो गृह मंत्री यशस्वी अपने जो गृह मंत्री देश के अमित शाह जी की जो औरा है, जो लोगों में जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को लेकर सीमांचल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अमित शाह जी के कार्यक्रम में आना पसंद ना करे, उनकी बातों को सुनना पसंद ना करे, इसलिए स्वतः भीड़ आप देखेंगे कल उमड़ेगी और 1 से 1.5 लाख के करीब भीड़ होने की पूरी संभावना है। इससे कम भीड़ होना नहीं है और यह ऐतिहासिक कल अमित शाह जी का कार्यक्रम इस स्टेडियम ग्राउंड में होगा। पूरे बिहार में पूर्णिया और ये सीमांचल का इलाका ही क्यों चुना गया? इस पर जो आपके विरोधी हैं वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं कि धार्मिक और उन्माद फैलाने की कोशिश है, विद्वेष फैलाने की कोशिश है समाज में, ये सीमांचल का इलाका क्यों चुना गया? आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जगह बदल बदल के कार्यक्रम करते रहती है। आप कभी देखते हो कि गया में होता है तो कहेंगे कि मगध क्यों चुना, मगध किसी समाज पार्टिकुलर समाज का केंद्र है, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग, कहीं पटना में होता है, कभी मगध में होता है, कभी शाहबाद में कार्यक्रम, इसी तरह सीमांचल में अमित शाह जी का आज कार्यक्रम होता है। ताकि उन्हें लगा कि सीमांचल के लोगों से मिले, सीमांचल के जो स्थिति है, आओ हवा है, उससे रूबरू हों, उन लोगों की समस्या उनकी क्या है उसकी जानकारी मुझे मिले। इसलिए गृह मंत्री पूरे देश के गृह मंत्री हैं तो उन्होंने यहाँ चुना कि सीमांचल में कार्यक्रम हो, सीमांचल के लोगों के बारे में जाने, दुख दर्द को जाने, क्या सुविधा है, क्या कठिनाइयाँ हैं। इसलिए सीमांचल में तो हमेशा हम लोग का चलने वाला प्रक्रिया है कि अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम, राष्ट्रीय अपने प्रधानमंत्री जी का भी कभी कभी होता है, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, हो ही रहता है। और आप तो आपके विरोधी कह रहे हैं, पुराने पत्रकार हैं, सीनियर हैं, जिससे जानते हैं, सैकड़ों कार्यक्रम में कवरेज में भी किया है अपने भाजपा के, बड़े बड़े कार्यक्रम जानते हैं कि कार्यक्रम होते रहते हैं इस तरह के। विरोधी कह रहे हैं कि सरकार जाने की खुन्नस निकाल रहे हैं। सरकार की खुन्नस हम नहीं निकालेंगे, वो जो सरकार जिनके साथ बनाए हैं ना, उस सरकार जिनके साथ बना है, तो वो कुंठित आज की जो सरकार है, आज के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चाहे जो भी सरकार में उनके साथ सम्मिलित है, आज उनका रास्ता बदल गया है, उनके मिजाज बदल गए हैं, इसीलिए देख रहे हैं कि राज्य की स्थिति भी बदलते जा रहे हैं। आज राज्य में सुख चैन शांति सब समाप्त हैं, लोग त्राहमान मान रहे हैं, तो इसीलिए उनका मिजाज बदल गया है, क्योंकि लोग बदल लिए हैं, मित्र उनके बदल गए हैं, इसीलिए उनके मिजाज और उनके बोल बच्चन भी बदल गए हैं। क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है क्या बीजेपी की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं, आदरणीय अमित शाह जी आएंगे, कार्यकर्ताओं के यहाँ के आम पब्लिकों को लाखों संबोधित करेंगे। इसमें अमित शाह जी का है कि माननीय गृह मंत्री जी क्या यहाँ के लोगों को सौगात देते हैं या फिर किस तरह की बातों को रखते हैं सीमांचल के क्षेत्र में। तो देखिए, तैयारियाँ जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। ये पीछे आप देखिए कि एक बड़ा सा जो कमल निशान है, जो कि भारतीय जनता पार्टी
उनका चुनाव चिन्ह भी है, उनकी पार्टी का सिंबल है, उसे बनाया जा रहा है। उसके ठीक बगल में आपको भारत का एक नक्शा दिख रहा होगा। तमाम जो फूल यहाँ पर हैं वो किलो के किलो क्विंटल में मंगाए गए हैं, और जो तैयारियाँ हैं वो अभी अंतिम दौर में। राजू जी हमारे साथ हैं, ये बताइए कल की जो तैयारी है पूरी हो गई है? अभी तो रात के 9:15 हो गए और तैयारी चल रही है अभी भी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और तैयारी लगभग अंतिम मैदान पे पहुँच चुका है, लेकिन जोश बहुत है, काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। और बिहार की धरती पर इस नीतीश कुमार जी के धोखा देने के बाद पहली बार अमित शाह जी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। ये एक बड़ा सा मैदान है जहाँ 1.5 लाख लोग उपस्थित होंगे कल, और एक बड़ी ऐतिहासिक रैली है। तो बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं लंबे समय से पार्टी में जुड़े रहे हैं उनका दावा है। ये रंगभूमि मैदान जो फिलहाल अगले कुछ घंटों बाद यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और एक बड़ी रैली होने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। राकेश जी ये बताइए कि जो तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है कि जो प्लान हुआ था उस हिसाब से तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी हो रही है और ये ऐतिहासिक रैली है और यहाँ से पूरे बिहार को मैसेज जाएगा, बिहार को ही नहीं जाएगा पूरे देश को मैसेज जाएगा, क्योंकि भारत के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से है बिहार का मैसेज पूरे देश को जाएगा। बिहार से शुरुआत होगी और 2024 की शंखनाद यहाँ से बिहार में और बिहार देश के लिए होने जा रहा है, और 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का देश में डंका बजेगा। और सीमांचल में तो काफ़ी उत्साह है इस रैली को लेकर, चूँकि गृह मंत्री बहुत दिनों के बाद यहाँ आ रहे हैं, शायद इस मैदान पर पहली बार आ रहे हैं, तो लोगों में भारी उत्साह है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है, और इसका परिणाम हमको सुखद परिणाम मिलेगा, इसका उत्साहवर्धक परिणाम मिलेगा और देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। तो देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा, ये फिलहाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है। 2024 लोकसभा चुनाव की आधिकारिक शुरुआत इसे कही जा सकती है, जो खुद बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी की तैयारियां हैं उसकी शुरुआत पूर्णिया के इस मैदान से 23 सितंबर को होने जा रही है, जिसकी शुरुआत खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कल इस रैली के ठीक बाद किशनगंज में 2 बैठकें होनी है। पहली बैठक बीजेपी के जो सांसद विधायक और पूर्व मंत्री बिहार के हैं उनके साथ अमित शाह बैठक करेंगे, और उसके बाद जो बीजेपी की कोर कमेटी है उसकी एक बैठक होगी, और उसके बाद अगले दिन यानी कि परसों गृह मंत्री अपने विभाग से जुड़ी कुछ बैठकें सीमांचल के किशनगंज जिले में करने वाले हैं। इसके पीछे भी बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। ये जो पार्टी की जो बैठक है वो कल यहाँ पूर्णिया के मैदान में रैली होने के बाद पूर्णिया में ही की जा सकती थी, लेकिन ये रैली किशनगंज में आयोजित की गई है, उसके कई सियासी मायने हैं। विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सीमांचल का इलाका है वो चूँकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए विद्वेष फैलाने की कोशिश और मंशा के साथ अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ का जो वोटर है वो डाइवर्ट हुआ कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, जो RJD कह लें, MIM कह लें या BJP कह लें, उस जो वोट का बंटवारा हुआ है पिछले चुनाव में उसको देखते हुए बीजेपी यहाँ पर नई उम्मीदें तलाशने की कोशिश कर रही है, और उसी कोशिश में देश के गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया के इस रंगभूमि मैदान में कल सियासी बुगुल फूंकने आ रहे हैं।